सो हे गाइस, मार्केट में कई सारे क्रेडिट कार्ड मौजूद है जो आपको क्रेडिट लिमिट ऑफर करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सिस बैंक नियो क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से घर बैठे 50,000 रुपये तक की क्रेडिट लिमिट प्राप्त कर सकते हैं। और यह एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है। यदि आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो तब आप इस क्रेडिट कार्ड को मात्र 250 रुपये की ज्वाइनिंग फीस के साथ इस क्रेडिट कार्ड को घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में अभी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं कि कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, और इस क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि गाइस आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको न्यू फाइनेंस रिलेटेड जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और अभी मैं आपको लाइव प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप एक्सिस बैंक नियो क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, और सर्च बॉक्स को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा loanpy.com, और इसके बाद आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। और गाइज, आपको बिल्कुल ये टाइप करना होगा loanpy.com, आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। और इसके बाद आपको सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन करना होगा। तो चलिए गाइज, मैं अभी इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं। और गाइज, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह एक कंप्लीट फाइनेंस वेबसाइट है, जहां पर आपको ईएमआई लोन, पर्सनल लोन, आपको क्रेडिट कार्ड लोन, इसके अलावा आपको पे लेटर लोन और भी कई तरह के लोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन आती रहती है हर रोज। तो यहां पे जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो गाइज यहां पर अभी आप देख सकते हैं, यहां पर हर तरह के लोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। चाहे आप पर्सनल लोन ले, चाहे आप एजुकेशन लो, मैरिज लोन लो, मेडिकल लोन लो, व्हीकल लोन लो, सभी कैटेगरी वाइज आपको यहां पे लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो चलिए गाइज, अभी मैं सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स देखने को मिलता है, तो सर्च बॉक्स को आपको ओपन कर लेना है। आप जैसे सर्च बॉक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ से आप सर्च बॉक्स में टाइप करके किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में यहाँ से जान सकते हैं। तो चलिए गाइज, मैं अभी यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ एक्सिस बैंक। जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे एक्सिस बैंक, तो अभी आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे अब एक्सिस बैंक की सहायता से आप गोल्ड लोन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड लोन के रिगार्डिंग भी हमने प्रोसेस बताया है, और एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड किया है, और एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें, तो गाइज आपको ये पोस्ट देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको इस पोस्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो ऐड आ सकती है, तो ऐड को आपको स्किप कर लेना है। तो गाइज, यहाँ पर हमने हिंदी भाषा में आपको सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड क्या है, कैसे आपको मिलेगा। और गाइज, ये एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है। यदि आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाना चाहते हैं और आपको छोटा मोटा लोन की जरूरत है, तो तब आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। और यदि गाइस आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बुक माई शो पर आप शॉपिंग करते हैं, तो तब आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। और यह क्रेडिट कार्ड बहुत ही कम आपको एनुअल फीस और आपको ज्वाइनिंग फीस के साथ मिल जाता है। यहाँ पर हमने बताया कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड क्या है, आप इसका यूज ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कई अच्छे अच्छे कैशबैक ऑफर भी मिलते रहते हैं। और स्टार्टिंग में आपको गाइस यहाँ पर आपको 50,000 रुपये तक की क्रेडिट लिमिट मिल जाती है। और जैसे आप क्रेडिट स्कोर का यूज करेंगे, इस क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे, समय से इसका भुगतान करेंगे, तो आपको क्रेडिट लिमिट भी अच्छी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हमने बताया कि कौन सा क्रेडिट कार्ड है आपको। यह क्रेडिट कार्ड वीज़ा क्रेडिट कार्ड के साथ मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड का यूज आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के लिए कर सकते हैं। और बॉडी आती है इस क्रेडिट कार्ड की, प्लास्टिक बॉडी में ये क्रेडिट कार्ड आता है। तो गाइस, यहाँ पर हमने बताया कि आपको कैसे इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप ब्रांच में विजिट करके भी, अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके भी आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सिस मोबाइल ऐप पर लॉगिन करके भी वहाँ से भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप गाइस अमेजोन ऐप पर इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो गाइस आपको 1,000 रुपये का कैशबैक मिल सकता है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको 1,000 रुपये का कैशबैक कैसे मिलेगा, तो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि सर आप हमें एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अमेजोन ऐप के द्वारा आप हमें अप्लाई करके दिखाएं, तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो वो आपको कमेंट करना होगा। और इसके अलावा गाइस, इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होगी। कई बार गाइस आप शॉपिंग मॉल में गए होंगे तो वहाँ पर भी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर पाएंगे अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के सहायता से। साथ ही गाइस, यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे यह क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना है। और यदि गाइस आप इन बताए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली यह क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और गाइस, आपको यहाँ पे इस नोट बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है।
हैं। और गैज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो आपको अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना है। जब आपको जरूरत हो तभी आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना है, अन्यथा आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। और नियम और शर्तें क्या क्या होने वाले, तो यहाँ पर कुछ नियम और शर्तें हैं जो कि अभी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नीचे आपने यहाँ पर बताया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी आप यहाँ से आके पढ़ सकते हैं। इंटरेस्ट रेट आपको कितना देना पड़ता है, तो गैज यहाँ पर हमने बताया कि इस क्रेडिट कार्ड को आप सिर्फ 250 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ी पर ले लेते हैं। और यदि गैज आप 45 दिनों के अंदर 2500 रुपये की स्पेंडिंग कर देते हैं, कहीं पर खर्च कर लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह पे, तो आपको 250 रुपये की जो है आपकी ज्वाइनिंग फ़ीस वो भी आपकी वे ऑफ हो जाती है। इसके अलावा अमेजोन ऐप पर आपको 1000 रुपये का कैशबैक भी मिल जाता है, जिसमें अच्छी बात आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हमने फ़ीस एंड चार्जेस के बारे में बताया कि आपको कौन से फ़ीस एंड चार्जेस कहाँ पर देने होंगे, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको कितनी क्रेडिट लिमिट मिल सकती है, तो गाइज मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आपकी क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करेगा कि आपको कितनी क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। अधिकतम लिमिट आपको गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 5,00,000 रुपये तक की अधिकतम लिमिट मिल सकती है। इसके अलावा मुख्य विशेषता बताया कि इसका यूज आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ पर आपको अच्छे खासे कैशबैक भी मिल जाते हैं। और यदि गाइज आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आपको यहाँ पर बताए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं। इसके अलावा लाइव चैट के माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड के बारे में हम यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए हैं, जैसे कि आपको वेलकम किट कितने दिनों में मिल जाती है, कैसे आप यदि आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है तो तब आप रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं किया तो क्या हो सकता है, इसके अलावा एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, वेलकम किट आपको कितने दिनों में घर पर डिलीवर हो जाती है, इस क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के बारे में हमने यहाँ पर रिव्यू भी बताया है। यदि आप अपना स्टार्टिंग में आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते तो आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं बड़ा आसानी से। एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है, 250 रुपये की आपको एनुअल फीस के साथ मिल जाता है। तो चलिए गाइस, अभी मैं आपको लाइव प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। और क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आपको इस पोस्ट को जरूर पढ़ लेना है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा, और यदि गाइस आप इन बताए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली यह क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड, और गूगल पे आपको सर्च कर देना। इसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है एक्सिस बैंक की, तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आर यू एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक कस्टमर, क्या आप एक्सिस बैंक के पहले से कस्टमर है या नहीं, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। यदि है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो अभी हम इसके कस्टमर नहीं है तो हम यहाँ पे नो पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप नो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ लोडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर इसके बाद आप यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। अब आपके सामने इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, जहाँ पर अभी आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कस्टमर डिटेल डालनी होगी, जिसमें आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर लेना है, पैन कार्ड की यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर यहाँ पे सबमिट करना होगा, अपना पिन कोड यहाँ पे डालना होगा, एनुअल फी यहाँ पे डालनी होगी, और नीचे आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइस, अभी मैं ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट कर लेता हूँ। अब आपको अपना मोबाइल नंबर, पिन कोड और अपनी एनुअल इनकम डालने के बाद अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक्सिस बैंक की तरफ से एक ओटीपी आता है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने सबमिट किया था। यहाँ पर एक्सिस बैंक की तरफ से जो ओटीपी आता है उसको सबमिट करेंगे। इसके अलावा नीचे आपको टर्म एंड कंडीशन को आई एग्री पर क्लिक कर लेना है, और नीचे आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड पर आपका नाम है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। इसके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और नीचे आपको मोबाइल नंबर और इसके अलावा मदर नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, आप मेल है फीमेल है, और नीचे आपको रजिस्ट्रेशन एड्रेस टाइप कर लेना है, जहाँ पर अभी आप रहते हैं जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, लोकेलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और लैंडमार्क भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, अपना एरिया का आप यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, सिटी डालेंगे, स्टेट डालेंगे, और नीचे आपको अपना एजुकेशन सिलेक्ट कर लेना है, आपने एजुकेशन में क्या किया हुआ है तो ये आप अपने हिसाब से डाल लेंगे जो भी आपने किया हुआ होगा।
और इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल लेना है, आपको अपने पर्सनल ईमेल आईडी डाल लेनी है। और इसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप सैलरीड पर्सन है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो आप अपने हिसाब से डालेंगे। आप यदि आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी डालेंगे और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड डालेंगे, तो दोनों में से आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। इसके नीचे आपको एनुअल इनकम डाल लेनी है, जितना आप कमा लेते हैं उस हिसाब से यहाँ पे डालेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस डालेंगे, आपका जो काम है वो किस प्रोफेशन में आता है, आप सर्विस करते हैं, ट्रेडिंग में आता है, प्रोफेशनल में आता है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप अपने हिसाब से डालेंगे। और इसके अलावा यहाँ से आप डाल सकते हैं सर्विस डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ओनरशिप टाइप डाल लेना है, आपका सेल में आता है, प्राइवेट सेक्टर में है, पार्टनरशिप में है। और इसके बाद आपको ईयर डालना होगा कि आपको इसका कितने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके बेनिफिट्स दिखाए जाते हैं इस क्रेडिट कार्ड के, जो कि आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सभी क्रेडिट कार्ड के बारे में। यहाँ पे बताया गया है इस क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग जानकारी बताई जाएगी। और नीचे आप जब जैसे ये पढ़ लेंगे ये सभी चीज़ें, नीचे आपको सबमिट ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट ज्वाइनिंग फीस वगैरह देखने को मिलती है, और नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है। अब बैंक आपके पास कॉल करेगा, जिसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि आपका यह क्रेडिट कार्ड अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ। आई होप गाइस आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।